नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पैरा सर्जिकल प्रोसीजर, यानी जिसे आयुर्वेद में अग्निकर्म कहा जाता है, उसके बारे में। आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा ये दिया गया जो पेन जो होता है, तो पेन मैनेजमेंट में एक ये अद्भुत वरदान माना जाता है अग्निकर्म। अग्निकर्म में क्या होता है कि जो आपका अफेक्टेड एरिया होता है, यानी जहाँ पे दर्द होता है, तो उस एरिया पे अग्निकर्म किया जाता है, यानी वहाँ पे अग्नि अग्नि से टच किया जाता है, अग्नि से ट्रीटमेंट की जाती है। तो यानी हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वहाँ पे अग्नि ट्रांसफ़र की जाती है, हीट ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे कि पेन ख़त्म होता है, और इस प्रोसीजर को हम अग्निकर्म कहते हैं। अग्निकर्म में ये बोलूँगी कि जो भी जो रोग होते हैं, वो अगर शस्त्र से, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से, या फिर किसी औषधि से, किसी मेडिसिन से, या फिर क्षार से भी ठीक नहीं होते, तो वो अग्नि के द्वारा ठीक हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो भी रोग एक बार अग्नि के द्वारा मतलब अग्नि से ठीक होते हैं, तो उनकी दोबारा उत्पत्ति होने की जो मतलब चांसेज होते हैं, वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो दहन जो भी क्रियाएं होती हैं, दहन क्रियाओं में, तो उसमें क्षार क्रिया से भी उत्तम अग्निकर्म को माना गया है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो भी अग्निकर्म के द्वारा जो भी रोग को नष्ट किया जाता है, जिस भी रोग की चिकित्सा की जाती है, तो उसके दोबारा होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। इसीलिए अग्निकर्म को दहन क्रियाओं में उत्तम माना जाता है। अब इसके कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, लाइक ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे हाथ में दर्द है तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे अगर हम अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये किया कैसे जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट बोलूँगी, जैसे उसको शलाका कहते हैं हम, उससे किया जाता है। ये पंच धातु से बनी हुई होती है, जैसे सोना, चांदी, लौह आदि, और भी जैसे तांबा, इसमें और भी धातुएं होती हैं। तो पंच धातु से निर्मित ये तैयार होती है शलाका, जिससे कि अग्नि कर्म किया जाता है। अब अग्नि कर्म जैसे मान लीजिए कैसे करते हैं, तो जैसा मैं बता रही थी अभी कि ऐसा जैसे मेरा हाथ है या मुझे यहाँ पे पेन है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने उस शलाका को गर्म किया और यहाँ पे सीधा हम ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। तो इसका एक पैटर्न होता है, कौन से भाग में दर्द है, जैसे किसी को नेक पेन है, किसी को जॉइंट पेन है, जैसे किसी को कॉर्न हो जाता है, यानी पैर के जो पैर का हिस्सा होता है सबसे नीचे वाला, उसमें कॉर्न हो जाता है, यानी उसको पाद कंटक कहते हैं। तो जैसे उसमें भी अग्निकर्म का बहुत अच्छा अफेक्ट है, तो उससे भी आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। जैसे किसी को साइटिका है, यानी अलग अलग पार्ट्स में जो प्रोसीजर किया जाता है, तो उसका अलग अलग पैटर्न होता है। तो अग्निकर्म के कितने पैटर्न्स होते हैं? 6 होते हैं। जैसे कि सबसे पहले सर्कुलर हो गया, यानी सर्कुलर मतलब ऐसे करके अग्निकर्म किया, जो पैटर्न है वो सर्कुलर होगा। उसके बाद डॉटेड, यानी उसी एरिया पे हम अग्निकर्म कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हो गया आपका सेमी लूनर, यानी अर्धचंद्र हम कह सकते हैं उसको। और उसके बाद 8 tailed mark और 4 tailed mark, यानी 6 टाइप्स हो गए इसके। सबसे पहला सर्कुलर, डॉटेड, स्ट्रेट लाइन, सेमी लूनर, 8 tailed mark और 4 tailed mark, ये 6 टाइप्स हो गए इसके। तो इसके साथ अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है। तो देखिए, अग्निकर्म इज अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसीजर, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसमें हार्डली 15 to 20 minutes लगते हैं इस प्रोसीजर को करने में। और इसको हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कब बुलाना चाहिए, नेक्स्ट सेटिंग कब देनी चाहिए, उसे अभी रेगुलर बुलाना है अग्निकर्म के लिए या फिर अल्टरनेट डेज से बुलाना है, और कितने डेज के लिए बुलाना है। वैसे पेशेंट को एटलीस्ट 10 to 15 days ज़रूर करवाना चाहिए, तब उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब हम बात करें इंडिकेशंस क्या हैं, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अग्निकर्म में चिकित्सा की जाती है कौन कौन से रोगों में। तो देखिए, वात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे पेन हो रहा है, तो वहाँ पे हम अग्निकर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपका नेक पेन है, आपको शोल्डर पेन है, आपको कभी स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है,
वहाँ पे दर्द हो रहा है, और उसके अलावा अगर आपको जैसे कोई पोस्ट फ्रैक्चर पेन हो रहा है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है, आपने सर्जरी करवा ली है, आपको पोस्ट फ्रैक्चर पेन हो रहा है, इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे कहीं भी एक्स्ट्रा स्किन बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है स्किन की, जैसे किसी किसी के फेस पे एक्स्ट्रा स्किन की ग्रोथ हो जाती है, किसी किसी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हो जाती है, तो उसको भी हम अग्निकर्म के द्वारा हटा देते हैं। उसके अलावा अगर किसी को, यानी जहाँ पे भी जॉइंट पेन में, अगर पूरी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, तो उसको अग्निकर्म के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसे किसी को स्पॉन्डिलाइसिस भी है, साइटिका भी है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में अग्निकर्म का इस्तेमाल किया जाता है, अग्निकर्म चिकित्सा दी जाती है, और ये बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। अगर इससे रिलेटेड अब आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, या फिर ये थेरेपी आपको करानी है, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।